वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी के बारे में, और हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि निफ्टी में डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, और निफ्टी नेक्स्ट वीक में मैक्सिमम अपसाइड कहाँ तक जा सकती है और डाउन साइड में कहाँ तक जा सकती है। इससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा कि आपको फ्यूचर सेल करना है, कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है या कुछ भी निफ्टी में पोजीशन बनानी है। तो इस वीडियो के देखने के बाद हमारे जो टारगेट रहते हैं वो पिछले 3-4 वीक से कंटिन्यूअसली अचीव हो रहे हैं। तो उस स्ट्रेटेजी से आप काम करोगे तो आपके टारगेट भी अचीव होंगे और आप अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम निफ्टी के डेली चार्ट से। पिछली दफा हमने आपको बताया था कि निफ्टी में कंटिन्यूअसली प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में चला गया था पिछले 2-3 वीक से, और अब जब प्राइस एक्शन का हमने बताया था कि ये जो हमारा फॉर्मेशन था ये लोअर लो चल रहा था, फिर ये यहाँ से हमें एक अप ट्रेंड मिला था, तो हमारा जो लोअर हाई मिला था, फिर लोअर हाई से हमें लोअर लो मिलना चाहिए था मगर हमें हायर लो मिला था, यानी कि प्राइस एक्शन में चेंजेस मिले थे, और फिर से हमें जो लोअर हाई की बदले हायर हाई मिला था, और हायर हाई को कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट करते हुए हायर लो मिला हमें, और फिर से पिछले वीक में भी हमें फिर से नया एक हायर हाई मिला था। और हमने आपको सजेस्ट किया था कि ये जो बीच में एक गैप थी वो गैप फिल करने के लिए निफ्टी नीचे आ सकती है, और तकरीबन 60-70 पॉइंट को छोड़ दे तो हमने बताया था 300 से 350 के बीच में बैंक निफ्टी आपको दिखाई दे सकती है, और निफ्टी ने तकरीबन 16,400 तक का लो बनाया था और 50 पॉइंट के गैप तो उसने छोड़ दिया है निफ्टी ने, और फिर से वो ऊपर की तरफ और बढ़ने लगा। तो हमेशा परफेक्ट टारगेट अचीव नहीं होते मगर आसपास से भी निफ्टी पलट सकती है। तो सेम चीज हुई कि निफ्टी ने हमें बोला था कि ये जो हमारा जो प्रीवियस लोअर हाई था ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो हमने बताया था कि यहाँ से 50 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रख के बेचना है, तो वहां से 50 पॉइंट के सामने 16,400 तक निफ्टी आ चुकी थी, यानी कि तकरीबन आपको 300 से 350 पॉइंट का मुनाफा हुआ होगा। बाद में हमने बोला था कि यहाँ से 300 350 के आसपास से आपको बाय कर लेना है, और अपसाइड में मैंने बोला था कि जैसे ही 850 के ऊपर ब्रेकआउट देते ही और सस्टेन करते ही आपको आगे के टारगेट मिल जाएंगे। वैसे ही 2 ही दिन में आप देखिए कि 16,800 के ऊपर 2 ही दिन में ब्रेक करते ही सीधा निफ्टी 17,200 तक आ गया है, यानी कि 400 पॉइंट की रैली सिर्फ 2 दिन में हमें दिखाई दे गई है। और ये जो कंटिन्यूअसली नीचे आया तो हमें फिर से अपना लेटेस्ट हायर लो भी मिल गया है, जो हमारा प्रीवियस हायर लो था जो 2 वीक पहले था वो हमारा था 15,500 का, फिर उसके बाद हमें मिला 15,850 का, और लेटेस्ट जो हायर लो है हमारा वो है 16,400-450 के आसपास, यानी कि आप रफली काउंट करके चलो कि 16,400 पे हमें लेटेस्ट हायर लो मिल चुका है, यानी कि अभी के लिए आप सपोर्ट की तरह काम करेगा 16,400 आपके लिए। और जैसे ही जो हमें प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट मिल चुका है जो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मारू बुजू कैंडल बनाते हुए निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, और आज फिर से हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और तकरीबन 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर अपसाइड में आज क्लोज हुई है। अब नेक्स्ट मैंने बताया था वैसे ही कि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है डेली चार्ट फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन एक चल रही थी कंटिन्यूअसली उसको टेस्ट करने के लिए अब निफ्टी जा सकता है। ये हमारी फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी एक कंटिन्यूअसली, तो अब निफ्टी अपसाइड नेक्स्ट वीक में आपको यहां से रिज्यूम करता हुआ दिख सकता है। 17,150 का लेवल है, आप मान के चल सकते हो कि 17,400 से लेके 17,700-800 तक आपको अपसाइड दिखाई दे सकती है। मैक्सिमम आप काउंट करके चलो कि 17,700 तक, यानी कि 17,400
500 से लेके 17,700 तक आपको एक अपसाइड दिखाई दे सकती है। और एक फर्स्ट माइनर रेजिस्टेंस आपको एक मिलेगा वहां हर्डल की तरह, ये है आपका एक माइनर रेजिस्टेंस, ये जो कंटिन्यूअसली दो कैंडल है। तो आप गिन के चल सकती हो कि नेक्स्ट वीक में डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक आप काउंट करके चलो कि ये जो एक रेजिस्टेंस है, दो बार कंटिन्यूअसली वहां पे सपोर्ट मिला था डाउन जाने के टाइम, तो 17,400 पे यानी कि यहाँ से 200-250 पॉइंट के बाद एक निफ्टी थोड़ा बहुत हर्डल ले सकती है एक दो दिन के लिए, और फिर से वहां से आप मैक्सिमम अपसाइड अभी के लिए देख सकते हो नेक्स्ट वीक में 17,500 से लेके 17,700 तक की। और निफ्टी नीचे में भी टेस्ट करने को आ सकती है कि जैसे कि कंटिन्यूअसली अपसाइड जा रही है तो वो जो ब्रेकआउट दिया है लोअर हाई का, जो हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो आप मान के चल सकते हो कि निफ्टी मैक्सिमम नीचे में जो ये ब्रेकआउट है उस रीटेस्ट करते हुए 16,800 से 16,900 का लेवल आपको दिखाई दे सकता है। यानी कि आप एक बार देख लीजिए फिर से कि जब जब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और नया नया हायर हाई बनाया है तो फिर से वो प्रीवियस हायर हाई को रिटेस्ट करने को आई है। यहाँ पे देखिए ये 15,850 पे एक बार आई, फिर से उसने नया हायर हाई बनाया और जो प्रीवियस हायर हाई था 16,300 के उसके आसपास 16,400 तक एक फिर से रिटेस्ट करने को आई, और फिर से उसने अपनी रिज्यूम अप ट्रेंड की और हायर हाई बनाते चले गए। अब फिर से निफ्टी अपसाइड जा सकती है 17,400 17,700 तक। पहला टारगेट होगा यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर का 17,400 का, और दूसरा टारगेट होगा 17,700 का, आप मान के चल सकते हो नेक्स्ट वीक में। और आपको नीचे में मिल जाए तकरीबन 16,800 से 16,900 के बीच में मिल जाए तो आपको 100% कॉल से बाय इनिशिएट करना है या निफ्टी फ्यूचर लेके उसके सामने पी बाय करके कॉल पुट बाय करके भी आप हेज बना सकते हो, और उसका स्टॉप लॉस आपको रखना है 16,450 का। यानी कि 16,800 पे आप बाय करते हो, निफ्टी आपको थोड़ी कूल ऑफ करके थोड़ी डाउन साइड दिखाती है 16,800-900 तक, तो आपको एक बाइंग पोजिशन इनिशिएट करनी चाहिए, और 16,450 का यानी कि 350 पॉइंट का एक डाउन साइड का रिस्क लेके अपसाइड में 1,000 पॉइंट के लिए आप खेल सकते हो। यहाँ से लेके फिर से यहाँ तक 1,000 पॉइंट का आपको गेन हो सकता है 350, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड आप गिनोगे तो 1:3 का हुआ जो बहुत ही अच्छा है, और कंटिन्यूअसली डेली टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो बनाते जा रही है तो निफ्टी में आप यहाँ पे बाई इनिशिएट कर सकते हो और ऊपर ही खुले और कंटिन्यूअसली जैसे कि अप ट्रेंड चल रहा है और बुलिश फॉर्मेशन एवरी कैंडल बना रही है तो अप ट्रेंड मिले और आपको 17,600 और 17,700 का लेवल डायरेक्टली मिल जाए तो आप यहाँ पे 17,600 17,700 पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। सिर्फ आपको 100 पॉइंट का रिस्क रखना है इस जोन के आसपास, यानी कि आप देख सकते हो कि इस जोन के आसपास नेक्स्ट वीक में आपको दिखाई दे निफ्टी 17,600 से 17,700 के आसपास दिखाई दे तो 17,800 का स्टॉप लॉस रख के क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना रहेगा, और आप एक सेलिंग की पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हो, वो निफ्टी को नीचे ले आ सकती है तकरीबन तकरीबन फिर से यहाँ लेवल तक आसपास, यानी कि 16,800 से 17,000 के आसपास आपको दिखाई दे सकती है। जैसे ही कंटिन्यूअसली अपसाइड मिले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 16,700-600 के आसपास 17,600-700 के आसपास बेचना है और 17,800 का स्टॉप लॉस रख देना है, और नीचे मिल जाए आपको कि 16,800-16,900 के आसपास तो सिर्फ आपको 16,450 का स्टॉप लॉस रखना है, और निफ्टी फ्यूचर भी आप बाय कर सकते हो, कॉल से भी आप बाय कर सकते हो या पुट सेल करके भी आप कर सकते हो, और अपसाइड में आपको 1,000 पॉइंट की रैली दिखाई दे सकती है। तो हमने आपको 3 वीक से बताया कि प्राइस एक्शन चेंज हुआ है, डेली टाइम फ्रेम में हम हायर हाई हायर लो चल रहे हैं यानी कि अप ट्रेंड है। अब हम बात करते हैं निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हमने आपको बताया था कि पिछले 3 वीक से डेली टाइम फ्रेम में तो निफ्टी अप ट्रेंड में आ चुका था मगर वीकली टाइम फ्रेम में नहीं आया था अब तक, और प्रीवियस वीक में हमने हमने आपको बताया था कि जैसे ही बुलिश मारू बुजू कैंडल में क्लोज हुआ था निफ्टी तो प्रबल दावेदार था कि ये जो लोअर हाई की फॉर्मेशन चल रही है
वो ब्रेक हो जाएगी और मीडियम टर्म में भी निफ्टी बुलिश हो जाएगी और टाइम फ्रेम में अपसाइड आपको दिखाई दे सकती है। तो वैसे ही आप देख सकते हो कि जो हमारा हर्डल था, जो प्रीवियस लोअर हाई था, वो 16,800 के आसपास था और वो ब्रेक करते ही इस वीक की क्लोजिंग आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार क्लोजिंग हमें मिली है। 17,150 का लेवल स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला है। और जो निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड चल रही थी अकेली, डेली में अप ट्रेंड चल रही थी, मंथली में भी अप ट्रेंड थी, सिर्फ मीडियम टर्म में वीकली में डाउन ट्रेंड थी, वो भी अभी निफ्टी अप ट्रेंड हो गई है। यानी कि तीनों के तीनों टाइम फ्रेम में, डेली, मंथली, वीकली, निफ्टी अब बुलिश अप ट्रेंड में है। यानी कि अभी कोई भी ऐसी मंदी की साइन नहीं है, निफ्टी हमें ये इंडिकेट कर रही है। और वीकली टाइम फ्रेम में भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चल रही है, जैसे कि हमने आपको बताया ही था प्रीवियस वीडियो में भी कि एक डाउन ट्रेंड चैनल लाइन वीकली में भी चल रही है। तो निफ्टी एज ऑफ नाउ वीकली कैंडल में भी आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड रिज्यूम करे तो 17,700 का वही टारगेट आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में भी, और नीचे में एक डीप आपको मिले तो 16,800, 16,900 का ये सपोर्ट आपको, जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था, वो अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा और आपको यहाँ से पुल बैक दिखाई दे सकता है। और जो हमारी जो कंटिन्यूअसली आप देख रहे हो कि पिछले 3 वीक में 15,600 से 17,200 तक की आपको रैली दिखाई दी है, तो पुल ऑफ करने के लिए 200-300 पॉइंट की डाउन साइड दिखे तो घबराना जरूर नहीं है और आपको डिप्स में बाय ही करना है। करंटली मार्केट आपको जब भी मौका मिले तो बाय ऑन डिप्स हो चुका है, सेल ऑन राइज अभी नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि आपको प्रॉफिट बुक जरूर करना है या सेल की पोजीशन आप बना सकते हो, बिकॉज के निफ्टी में जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है तो डेली एंड वीकली दोनों टाइम फ्रेम में ये आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। जब तक ये ब्रेक नहीं करती और उसके ऊपर डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं मिल जाती डिसाइसिव क्लोजिंग, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आपको ब्रेकआउट दे के ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, तब तक ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से हमें रुकावट मिलेगी। यानी कि आपको इसके आसपास मिले तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के सेल करना है, इसके आसपास मिले तो 300-350 का, 16,450 का स्टॉप लॉस रख के आपको बाय करना है। और अब हम देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में शानदार कैंडल बन रही है, आप देख सकते हो कि ऐसा ही मंथली में क्लोजिंग आपको मिल चुकी है। आप देख सकते हो कि आज ट्रेडिंग सेशन था, मंथ का लास्ट डे था और ये आपको देख रहे हो, आप देख पा रहे हो कि बुलिश मारुगुजु पैटर्न आपको क्लोजिंग में इस महीने के एंड में मिल चुकी है। बहुत ही शानदार पैटर्न है, देख लीजिए। और आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, जैसे कि कंटिन्यूअसली डाउन आ रहा हो और रेड कैंडल बने और इसके नीचे ओपनिंग भी मिले हमें और कंटिन्यूअसली डाउन भी मिले, मगर फिर ये पूरे के पूरे बुल्स हैवी होके उसके ऊपर क्लोज दे दे, यानी कि पूरी नेगेटिव कैंडल को शेडो करके पूरी ग्रीन कैंडल क्लोज कर ले, ऊपर में अपसाइड भी कम हो और डाउन में डाउन साइड में वीक भी कम हो, यानी कि ये बुलिश मारुबुजु कैंडल है और दूसरी बुलिश इंगल्फिंग भी आपको मंथली चार्ट में दिखाई दे रही है। यानी कि आप सोच के चल सकते हो कि मंथली में भी इतना शानदार क्लोजिंग हमें मिली है कि हम नेक्स्ट वीक, मंथ और जो आने वाले समय में बहुत ही अच्छी शानदार तेजी करने वाले हैं। यहाँ पे भी एक कंटिन्यूअसली फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये सिर्फ डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस पार हो गया तो फिर आपको फिर से निफ्टी ऑल टाइम हाई छूने से रोक नहीं सकती, मगर ये अभी बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है तो आपको यहाँ पे कमाना है, फिर से 1,000 पॉइंट कमाने हैं। तो नीचे मिल जाए तो नीचे से 16,800-900 पे बाई करके आप 17,800-700 तक देख सकते हो, और 17,700-600 के आसपास मिले तो आप 17,800 को स्टॉप लॉस बना के बेच सकते हो, आपको फिर से नीचे में 16,800 से 17,000 के आसपास मिल जाए तो आपको वो शॉर्ट पोजीशन कवर कर लेनी है। यानी कि डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में हम बुलिश हो चुके हैं, अप ट्रेंड में है,
अभी बाय ऑन डिप्स मार्केट हो चुका है, तो आपको वही मान के चलना है कि जो भी करेक्शन मिले आपको बाय ही इनिशिएट करना है, सेल नहीं करना है। सेल सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के पास ही करना है विथ स्ट्रिक्ट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ये था हमारा निफ्टी का डेली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में व्यू। और ऐसे ही सारे के सारे व्यू हम चार्ट भी शेयर करते हैं, स्टॉक टिप्स भी शेयर करते हैं, वो सारी चीजें हम टेलीग्राम में शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहां से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। और हम पेड सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो हम स्टॉक टिप्स भी देते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल पुट फ्यूचर सब देते हैं, और स्विंग ट्रेड भी देते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, फंडामेंटल, पोजीशन साइजिंग, वो सारी की सारी चीजें हम आपको 1 साल के दौरान सिखाते हैं। तो ऐसे ही कोर्स के लिए भी, पेड सर्विस के लिए भी आप ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दे रहे हो। और कई सारे लोग ऐसे है कि जो ये वीडियो देख के बहुत ही अच्छा मुनाफा कर रहे हैं निफ्टी में एवरी वीक, और मुझे बहुत सारे मैसेज भी आते रहते हैं कि सर बहुत ही अच्छा है, यहाँ से हमें बहुत फायदा होता है। तो कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।